मोहतरम दोस्तों, एक देहात का वाक्या है कि एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी और शक्ल भी आम सी थी, उसकी एक खूबसूरत कजन थी। उस नौजवान ने कहा कि मैं अपनी इसी कजन से शादी करना चाहता हूं। चुनांचे मां बाप ने भी उधर पर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने शुरू में हां कर दी। निकाह हो गया, रुख्सती भी हो गई, लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उसको पता चला कि ये तो बिल्कुल जाहिल है। वो लड़की सोच में पड़ गई कि ना इसकी अकल है और ना शक्ल है, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। चुनांचे उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आमतौर पर दुल्हने अपने मां बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी मां बाप के घर आई। उसके दिल में यह बात थी कि अब दोबारा वो उस घर में कभी नहीं जाएगी, मगर उसे मां बाप के सामने बात करने की जरूरत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में हां भी कर चुकी थी। 2-4 दिन के बाद खावंद लेने के लिए आ गया। मां बाप ने कहा कि बेटी तैयारी करो, तुम्हारा मियां तुम्हें लेने आया है, जाओ उसके साथ चली जाओ। चुनांचे लड़की ने अपना सामान बांधा और उसके साथ चल पड़ी। उन दोनों को एक गांव से गुजरना था। रास्ते में उस लड़की ने खावंद से कहा, मुझे प्यास लगी है, करीब ही एक कुआं था। खावंद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं के डोल के जरिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावंद कुएं में जाकर गिर गया। लड़की ने दिल में सोचा कि अब यह मर गया होगा और हमेशा के लिए मेरी इससे जान छूट जाएगी। अब वो वापस मां बाप के घर चली गई और उसने उनके पास जाकर औरतों वाला मुकर किया। आपको तो पता है औरतें मुकर में काफी मशहूर होती हैं। वो रोती हुई घर पहुंची। मां बाप ने पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि खावर मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतजार करती रही, मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा कि कोई गैर मर्द अगर आ गया तो मेरा क्या होता। मुझे जान का भी खतरा था और इज्जत का भी खतरा था। वो आदमी तो बड़ा बेपरवाह आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूं। यह सुनकर लड़की के मां बाप को भी बड़ा गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और खुद कहीं चला गया। ये ऐसा बेवकूफ इंसान है। अब मेरे दोस्तों, उधर की बात सुनिए। जब उसका खावंद पानी में गिरा तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ ढोल बांधते हैं। उसने उस रस्से को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से से चढ़ते चढ़ते बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने सोचा कि मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। खैर कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूं। चुनांचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे। जैसे ही वो ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत सी बातें सुनाई। कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है कि तू हमारी बेटी को अकेले छोड़कर चला गया था। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे इसका जरा ख्याल नहीं था। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हां, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए, उन्हें घर जाने में देर हो रही है। जब लड़की के वालिदैन ने देखा कि यह बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा कि बेटी कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ। अब तो बेटी चल पड़ी, लेकिन
उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था, बेअकल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, लेकिन इसने मेरे मां बाप के सामने मेरा ऐप तो छुपाया। इसका दिल बड़ा है, अगर ये मेरे मां बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो मां बाप को चेहरा दिखाने के काबल ना रहती। उसकी एक बात पर उस लड़की के दिल में खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि उसने बकिया पूरी जिंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजार दी। मोहतरम खवातीनों हजरात, इस इंसान को उसके ओहदे, उसकी दौलत या उसकी शक्ल से मत देखिए, ये देखिए कि उस इंसान का दिल कैसा है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।